खबर है जहां पर गहलोत कैबिनेट की एक बैठक हुई और राजस्थान में अब 50 जिले हो गए, नए 19 जिलों में कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। अब जो 19 जिले हैं वो कौन कौन से हैं बताते हैं कि करके आपको, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सलूंबर, सांचौर, शाहपुरा, ये 19 नए जिले बन गए हैं। 3 नए संभाग भी बने हैं। कौन से संभाग बने हैं 3 नए? बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो 19 नए जिले कुल मिलाकर हो गए 50, और इसके अलावा 3 नए संभाग। गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई, बैठक में मोहर लगी और उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी गई और भी कई घोषणाएं हुई। बड़े जिलों का उसके आधार पर हम चाहेंगे कि आगे जो है और संभावना बन सकती है और जिले बनाने की, इसलिए हमने जो कमेटी रामलोभाई कमेटी है इसका कार्यकाल भी हमने 6 महीने और बढ़ा दिया है, जिससे कि और अपनी बात कह सके कोई कहना चाहे तो। तो हमारा दृष्टिकोण है विकेंद्रीकरण कैसे हो प्रशासन का, उस दृष्टिकोण से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। छोटे जिलों का, बड़े जिलों का उसके आधार पर हम चाहेंगे कि आगे जो है और संभावना बन सकती है और जिले बनाने की, इसलिए हमने जो कमेटी रामलोभाई कमेटी है इसका कार्यकाल भी हमने 6 महीने और बढ़ा दिया है, जिससे कि और अपनी बात कह सके कोई कहना चाहे तो। और आज जो मोहर लगी है इन्हें 19 जिलों पर और 3 संभागों पर कैबिनेट की बैठक में, इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी लवली वधवा सीधा जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। लवली, तकनीकी दृष्टि से टेक्निकली जरा आप समझाइए और बताइए लोगों के लिए जिला मुख्यालय पर काम कब से शुरू हो जाएगा। आज कैबिनेट ने इन 19 जिलों 3 संभागों पर अगर मोहर लगा दी है तो आम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा जिस जिले और संभाग में अगर वो आते हैं तो? देखिए, राजस्थान के लिहाज से 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आज राजस्थान का न केवल इतिहास बदला है बल्कि भूगोल के अंदर भी राजस्थान ने अपने स्थान को परिवर्तित कर लिया है। राजस्थान के जिले जो हैं वो बढ़कर के अब 50 हो चुके हैं, यानी कि आधा, इसे कह सकते हैं हाफ सेंचुरी राजस्थान ने जो है अपनी लगा ली है। राजस्थान में 50 जिले बना दिए। सबसे छोटा जिला संभवतः देश का जो है वो दूदू होगा, जहां पर 4,20,000 की आबादी होगी। पहले 25 लाख और 15 लाख तक की आबादी पर जिले होते थे, लेकिन अब राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद में ऐसा दूसरा राज्य बनने जा रहा है जहां पर 4-5 लाख की आबादी के बीच में ही जिलों का गठन हो गया, यानी कि 4 लाख से लेकर के 15 लाख की आबादी जो है सीधे तौर पर जिला कलेक्टर के साथ में होगी। जिला कलेक्टर जो है वहां पर रूटीन अपने काम का, जो ये कहा जा रहा था कि जिला कलेक्टर जो दूर के गंतव्य स्थल होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, रोजमर्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तमाम बैठकों के मद्देनजर सरकार का जो कामकाज है, जो फ्लैगशिप योजना है, वो नीचे तक ग्राउंड पर वो काम पहुंचने में काफी देरी हो जाती थी। तो ऐसे में जनता के लिए सुलभ दरवाजा होगा, जनता कुछ किलोमीटर पर ही अपने कलेक्टर के दरवाजे को जाकर के खटखटा सकेगी, कलेक्टर जनता के दरवाजे पर जा सकेंगे और जनता से जुड़े हुए जो नहितेशी के, जो सरकार की जो कामकाज है, सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है या सरकार से जुड़ी जो समस्याएं होती है जिन पर काम किया जाना त्वरित रूप से आवश्यक होता है, कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम मसलों पर सीधे तौर पर जो है जनता का दखल भी बढ़ेगा। अब देखिए, जिलों का गठन होने के साथ साथ में ही 7 तारीख से, यानी ये आने वाले इसी महीने की जो 7 तारीख के अगले 3 दिन के बाद में 7 तारीख को सभी प्रभारी मंत्रियों को नए जिलों में भेजा जाएगा। सभी जिलों में एक साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। उस कामकाज से सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ में ही सभी नए जिलों के अंदर जो है कामकाज शुरू हो जाएगा, सभी नए जिलों में और सभी नए संभाग मुख्यालयों पर कामकाज शुरू होगा। मुख्यमंत्री भी संभवतः किसी जिले में जा सकते हैं या फिर जयपुर से ही इस कार्यक्रम में वर्चुअली वो जुड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात को भी दोहराया कि जयपुर के टुकड़े नहीं हुए हैं, जोधपुर के टुकड़े नहीं हुए, जो ग्रामीण का दफ्तर होगा वो जरूर शहर में होगा, जहां पर अभी जिला कलेक्टर का दफ्तर है, एक दफ्तर और बढ़ जाएगा, लेकिन टुकड़े जो होंगे वो
वो शहर के जिसको लेकर के विरोध हो रहा था जनता का वो नहीं होगा। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो राम लुभाया कमेटी बनाई गई है जिलों के गठन को लेकर के सुझाव देने को लेकर के, उस कमेटी के कार्यकाल को 6 महीने इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर जो है रामलाल जाट से लेकर के कई और मंत्री विधायक और आम जनता अभी भी नए जिलों की डिमांड कर रही है। तो ऐसे में ये कमेटी अगले 6 महीने तक लगातार काम करेगी, सरकार को अपना फीडबैक देती रहेगी और अगर संभवतः सरकार को उचित लगा तो और नए जिले जो है वो भी बनने की उम्मीद जो है वो राजस्थान में वो बनती हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 19 जिलों के अंदर OSD पहले से तैनात है, दफ्तर चुन लिए गए हैं, अब इनकी जो सीमाएं निर्धारित की गई है उसका नोटिफिकेशन कुछ ही देर के अंदर जो है राजस्व विभाग जारी करने जा रहा है। राजस्व मंत्री से अभी हमारी खास बातचीत हुई, उन्होंने कहा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा जिसके बाद में ये तय हो जाएगा कि नए जिलों की सीमाएं कहां से तो शुरू होगी, कहां पर वो सीमा जो है। बिल्कुल लवली, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे अब आगे भी बात करेंगे, लेकिन सुधीर शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम जयपुर से। सुधीर जी, देखिए साफ तौर पर जब ये घोषणा की गई थी तो कहा जा रहा था कि पैसा चाहिए और वक्त लगता है, इसमें कितनी सीमाएं होंगी, कैसे होंगी, और ये देखा हमने कि मुख्यमंत्री की तरफ से वहां चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर हो या पुलिसिंग को लेकर हो, अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया संबंधित जो जिले आज जिन पर मोहर लगी है, और काम तेजी के साथ जो प्रशासनिक कार्य होता है वो तेजी के साथ चलता रहा। वस्तु स्थिति थोड़ा बताएं इसको लेकर, और कैसे पूरी प्रक्रिया अभी तक हुई और आगे चलेगी। प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब कोई भी काम किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है, लिहाजा जिलों की संख्या भी देखें तो भी उसी परिप्रेक्ष्य में उतनी होनी चाहिए, जनसंख्या का अनुपात भी देखें तो उसी में होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जिलों का अगर गठन होता है तो तमाम जो ऑफिस है उनका निर्माण होता है, वहां से मुख्यालय बनते हैं, जिला मुख्यालय बनते हैं, जिला मुख्यालय में अलग अलग जो विभाग है उनके मुख्यालय बनते हैं और कामकाज में तेजी आती है, ये निश्चित रूप से सही बात है। और जहां तक बजटीय प्रावधान की घोषणा भी उस समय की गई थी कि लगभग 2,000 करोड़ रुपए के इसमें बजटीय प्रावधान होंगे नए जो जिलों की घोषणा की गई उसके तहत, और धीरे धीरे इस काम को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया क्योंकि दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि जिलों की संख्या को लेकर कहा जा सकता है कि एक साथ बहुत ज्यादा संख्या में बना दी गए, लेकिन वो भी रामलोभाया समिति की सिफारिश के आधार पर बनाए गए। ये जो पूरी ज्योग्राफी देख रहे हैं और राजनीति का पर्यटन मान दर्शन आप देख रहे हैं मेरे इसके सामने, ये पूरा अब पूरा ये तब्दील होने वाला है कि ये किस तरह से पूरा जो नक्शा है ये पूरा तब्दील हो जाएगा कि जो राजस्थान का नक्शा है यहाँ पर जो जिले दिखाई दे रहे हैं अब तक 33 वो बदल के 50 हो जाएंगे, जो संभाग मुख्यालय दिख रहे थे 7 वो बदल के अब पूरे 10 में तब्दील हो जाएंगे, और कहाँ कहाँ कौन कौन सा जिला आएगा, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी तहसील आएगी, तहसील का उसका एरिया क्या होगा, पूरा किस किस तरह से क्या क्या बाइक क्रिकेट होगा वो करके पूरा बता दिया गया है। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कंप्यूटर पे देखने की कोशिश करेंगे, सबसे पहला जिला बना अनूपगढ़, अगर अल्फाबेटिक रूप से देखें तो अनूपगढ़ जिला बना है, अनूपगढ़ के अंदर तहसीलें कितनी होगी उसका भी पूरा बाइक क्रिएशन कर दिया गया है कि किस तरह से ये जिला रहने वाला है, तो अनूपगढ़ होगा, रायसिंह नगर होगा, विजय नगर होगा, गढ़साना होगा, रावला होगा, छतरगढ़ होगा और खाजूवाला होगा। तो इस तरह से 6 तहसीलों के साथ में अनूपगढ़ एक जिला रहने वाला है। दूसरा जिला अल्फाबेटिक जैसे कि बालोतरा रहेगा, बालोतरा में 4 जो जगह है यानी पंचभद्रा, कल्याणपुरा, चिवाना, संगड़ी, बायतो, गिरा और चेंदरी, ये इनके उपखंड मुख्यालय उपखंड के साथ ये तहसील होंगे। पूरा नक्शा आप देख सकते हैं, पूरा नक्शा बना दिया गया है एक एक जिले का, एक एक नक्शा, यहाँ तक कि ब्यावर को लगातार शंकर सिंह वहां के विधायक वो लगातार पैदल यात्राएं भी कर रहे थे, वो लगातार मांग कर रहे थे, उनकी मांग को भी सुनी गई और ब्यावर को पूरा जिला बना दिया गया, जेतान, रायपुर, ब्यावर, मसूदा, विजयनगर और ये टाटगढ़, इस तरह से ये पूरा का पूरा एक ये नक्शा भी सामने रख दिया गया है। इसी तरह से डीग है, डीग को मेरे जो कह आता है पूरा जो भरतपुर का हिस्सा आया करता था, डीग है, जनुसर है, कुमेर है, रारर है, नगर है, सीकरी है, कामा है, दुरारा है और पहाड़ी है। इस तरह से इसमें 6 तो उपखंड मुख्यालय होंगे और उनकी ये तहसीलें होंगी। डीडवाना कुचामन जो लगातार ये भी मांग होता कि एक नया जिले के तौर पर देखा गया है जिसमें तहसीलें बनाई गई है, डीडवाना, मोलासर, छोटी खाटू, लाडू, परवतर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। इसी तरह दूधी सबसे छोटे जिले के तौर पर, दूधी और सबसे जयपुर के सबसे पास का जिला है दूधी, जिसमें
तीन उपखंड मुख्यालय होंगे और तीन ही तहसीलें होंगी जिसमें मोरवाबाद है, दूदू इटल्फ है और फागी है। इस तरह से दूदू का निर्माण होगा। यहाँ से बाबूलाल नागर जो है वो निर्दलीय विधायक है, सरकार के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले गहलोत सरकार में वो मंत्री भी थे। गंगापुर सिटी को भी बनाया गया है जिला, जिसमें गंगापुर सिटी, तलवाड़ा, वजीरपुर, बामनवार, बंगाला। बिल्कुल सुधीर, मैं आपके पास आता हूँ। लवली कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं इस वक्त। जी लवली, क्या खबर आ रही है आपके पास और अपडेट? देखिए, नए जिलों के गठन को लेकर के एक कमेंट जो है राजस्व मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे ले लेते हैं। रामलाल जी, नए जिलों के गठन पर करोड़ों जनता देख रही है, क्या कर दिया आज आप लोगों ने, किस तरीके से भूगोल बदलने का काम किया आज राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने? देखो, जन भावना का सम्मान अशोक गहलोत जी ने किया। जो बजट में घोषणाएं की पहली बार, हर वो बजट घोषणा, हर हमारा वो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यमंत्री ने लागू किया, उसी के परिणाम में या उसी की घोषणा के आधार पर आज मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में ठप्पा लगवाया रामलोबाया कमेटी पे, जिसपे 19 जिले फंक्शन में गजट नोटिफिकेशन निकल गया। 7 तारीख से ही वो फंक्शन में हर जिले पर आ जाएंगे। तय किया गया सर्वधर्म सभा के माध्यम से हमारे अधिकारी और हमारे वहां के जनप्रतिनिधि मिलकर एक जश्न के रूप में, एक त्यौहार के रूप में इस श्रावण मास में नए जिलों का शुभारंभ होगा। जनता को क्या फायदा होगा? सीधे तौर पर जनता अगर दो टुक बात जानना चाहे राजस्थान के राजस्व मंत्री के मुंह से, तो क्या फायदा होने जा रहा है? नंबर एक, सीधा समय की बचत। जो उनको हेडक्वार्टर पे जाना पड़ता था, कई बार राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए 300 किलोमीटर पे जिले थे, एक दिन में उनका काम ही नहीं हो पाता, नाइट रुकना पड़ता था, पैसा लगता था। अब छोटे जिले होने से उनका टाइम बच जाएगा, पैसे बच जाएंगे। दो, तीसरा, प्रशासनिक अधिकारी जल्दी वहां पहुंच पाएंगे। जो लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम होती, कभी झगड़ा, धरने, प्रदर्शन, कई चीजें होती, कभी आजकल राजनीतिक पार्टियां कुछ धर्म पे भी लड़ाई लड़ती वोट लेने के लिए, उनको डेवलपमेंट तो करना नहीं, तो वो केवल अंगेज रखती है। तो हमारे जिले बढ़ने से प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पे पहुंचेंगे, तो जनता का नुकसान भी नहीं होगा। तीसरा, बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा, शहरीकरण होगा, जहां जिला बनेगा तो वहां रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार भी मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, गवर्नमेंट को भी टैक्स आएगी, रेवेन्यू आएगा ज्यादा, क्योंकि सुलभ न्याय होगा तो मुकदमे कम लगेंगे, तो खर्चा लोगों का, हर तरह का फायदा। और जो गवर्नमेंट प्लानिंग करती बजट को, उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने का काम समय पर रहते हुए, जनता का फायदा होगा। तो जिला बढ़ने से हर तरह का फायदा, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, कांग्रेस को क्या फायदा होगा इलेक्शन के अंदर? हैट्रिक लगेगी, वापस रिपीट होते दिख रही है आपको सरकार? हमारे कामों को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं, जनता काम पे वोट देगी तो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं आएगी। लेकिन धार्मिक भावनाएं भड़काकर, जिस तरह झूठ बोलकर, जिस तरह आज हिंदुस्तान की देख रहे हो मीडिया के माध्यम से जो चीजें आ रही है, किस तरह राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हुए जनता की भावना को रखी, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया, ये चीजें देखते हुए गड़बड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा एक्सटेंशन 6 महीने के लिए किया गया है, और इस दौरान कुछ सिफारिश होती है या फिर लोगों की डिमांड आती है कि हमें भी जिला बनना है, तो फिर उस पर भी विचार होगा, यानी 50 का जो है आंकड़ा और जिलों का आगे जा सकता है? तो कांग्रेस का निर्माण 1885 में हुआ और 51-52 में वोट जाके पड़ा, तो इतने साल जो शहीद हुए कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, तो क्या उन्होंने कभी राज की सोची क्या? अंतिम सवाल ये कि नए जिलों को लेकर के जो रामलोभाया कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जनता की जो भावना है वो रेवेन्यू मिनिस्टर तक, सरकार तक पहुंचेगी, क्या नए जिले बनाए जाएंगे? और आपकी भी डिमांड है, आपके यहाँ के इलाके की जनता की भी डिमांड है कि संभाग मुख्यालय जो है वो भीलवाड़ा को बनाया जाए, तो क्या इन डिमांड्स पर आगे कोई काम हो सकेगा? निश्चित रूप से कमेटी रिपोर्ट देगी, हमने तो लेट डिमांड की, बाकी इसी में हमारी पूर्ति होती, क्यों फिजिबल है। आज भी अलवर को देखो, भीलवाड़ा को देखो, संभाग आज भी फिजिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं हो, फिजिबल है। कमेटी में हम हमारी बात रखेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि रखेंगे, तो निश्चित रूप से होगा। और नए जिले जहां हैं, जब हम 5 लाख की आबादी पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर जिला बना रहे हैं, तो 8 लाख वाला क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। 5 लाख वाला एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो और भी नए जिले बनाए जा सकेंगे, छोटे जिले बनाए जा सकेंगे? निश्चित रूप से, अभी सामने दिख रहे हैं हमारे कुचावन, सुजानगढ़ तो सामने दिख रहे हैं, और भी जिले हैं, भिवाड़ी दिख रहा है, और भी है। चुनाव से पहले और नए जिले बन सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जाए जनता की? ये मैं नहीं कह सकता हूं, जब कमेटी रिपोर्ट देने के बाद मुख्यमंत्री जी का फैसला होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी की भावना अच्छी है जनता की, आज भी कहा उन्होंने जन भावना का सम्मान करना अच्छे डेमो, जहाँ की प्रजा दुखियारी वहां का राजा नरक का अधिकारी होता है, जहाँ की प्रजा सुखियारी वहां का राजा स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो जनता जो सुखी होगी तो नेता भी सुखी होगा। तो मुख्यमंत्री जी की भावना के 2030 तक मैं राजस्थान को नक्शे पे 1 नंबर पे लाऊं, तो अभी से शुरुआत की विजन जनता साथ देगी, निश्चित रूप से हम उस टारगेट को अचीव करेंगे और जनता को जो उनकी भावना है, जो मांग है, उसको पूरा करें।
तो देखिए मांग और भावनाओं को पूरा करने की बात है, विजन 2030 पर काम शुरू कर दिया है अशोक गहलोत जी ने, और अशोक गहलोत ने कहा भी था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि 2030 का विजन, चाहे मुख्यमंत्री उस वक्त कोई भी हो, लेकिन 2030 के विजन के साथ में अगर हम काम करेंगे तो जाहिर तौर पर राजस्थान का जो डेवलपमेंट है वो हो सकेगा, राजस्थान का जो कामकाज है वो आगे बढ़ सकेगा, राजस्थान डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेगा, और न केवल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बल्कि जिस तरीके से राजस्थान में जो नए जिले बनाए गए हैं, जनता की जो जनभावनाओं का सम्मान की बात है वो कही गई है, उनको लेकर के यहां पर जो है वो सरकार अपनी बात कहती भी नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि 50 जिलों की को लेकर के सरकार ने अपना कैंपेनिंग जो है वो भी शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ में हम इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर मौजूद है, यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा एक बार कि आज से राजस्थान में ये ब्रांडिंग शुरू की गई है, जन भावना का हुआ सम्मान, 50 जिलों का हुआ राजस्थान, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है मुख्यमंत्री के अब आपको जयपुर शहर की सड़क से लेकर के गांव ढाणी की सड़कों तक पर नजर आने वाले हैं। और राजस्थान के अंदर जो 50 जिलों का राजस्थान जो हुआ है, एक 50 जो लगाई है राजस्थान ने आज, तो अब एक डेवलपमेंट के क्षेत्र में किस तरीके से राजस्थान जो है वो इसको आगे बढ़ा पाता है, माइलस्टोन के रूप में राजस्थान सरकार किस तरीके से अपने आप को साबित कर पाती है, इलेक्शन मोड में अब सरकार जा रही है, तो जनता की भावनाओं को सीधे तौर पर जो है उसका सम्मान करते हुए अगर सरकार जिस तरीके से महंगाई राहत कैंप और तमाम फ्लैगशिप योजनाएं चला रही है, ऐसे में सरकार पूरी चुनौती दे रही है विपक्ष को, राजस्थान के अंदर बीजेपी को और तमाम पार्टियों को, कोशिश यही है राजस्थान में। एक कमेंट लेने की कोशिश करता हूं सुधीर, अगर हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल सुधीर, क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ, मैं पॉलिटिकल इंपैक्ट जैसा भी यहां लवली ने जिक्र भी किया और इस स्लोगन की बात भी की, मैं सुधीर आपसे समझना चाहूंगा कि राजनीतिक प्रभाव किस तरह से इन 50 जिलों का पड़ने वाला है। यह हमने देखा कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया गया कि उस विधायक का यह क्षेत्र है तो इसको मैं जिला ना बनाऊं, या यहां पर मेरे को पिछली बार सीट नहीं मिली थी, वोट नहीं मिले थे तो मैं यहां जिला ना बनाऊं, हर किसी का ख्याल रखा गया। लेकिन अब आगे चलने वाले दिनों में चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा इन 50 जिलों का? देखिए, निश्चित रूप से ज्योग्राफी पूरी राजस्थान की चेंज हो रही है, और ज्योग्राफी के अंदर पूरा जो बदलाव देखने को मिला है, जिसको संबंधित जो शासन और प्रशासनिक व्यवस्था है उनमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि नई नियुक्तियां होंगी, नए लोग लगेंगे, नए कार्यालय खुलेंगे, जिले के चाहे अस्पताल की बात करो, चाहे शिक्षा की बात करो, तमाम चीजें जिले में जो होती है वो होगी, तो इसका सीधा इंपैक्ट राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है कि अमुक विधायक के कहने पर ये बना, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया, जहां जरूरत थी वहां पर बनाया गया, तो राजनीतिक दृष्टि से अगर इसको देखें तो ये बड़ा माइलस्टोन और ये कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि आपने देखा होगा जब बजट की घोषणा हुई थी तब इसकी घोषणा नहीं की गई थी, 17 मार्च को जब एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल का जवाब देती है। सुधीर, मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर बहुत जरूरी है, वो भी हम आप दर्शकों को बताएंगे, और लवली आपका भी शुक्रिया, दरअसल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई।